कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, कोई भी देश तभी जाकर दुनिया में आगे बढ़ सकता है, और कोई भी देश तभी अपनी संस्कृति को पनपा सकता है, फला फूला सकता है, जब वो सुरक्षित हो। सुरक्षा ही विकास र चाबी काठी। सुरक्षित सीमा उन्नत देश र परिचय। देश सुरक्षा रे सबुठो आगरे बीएसएफ। सेमानंक साहस और बलिदान पाए देश गर्वित। सीमा सुरक्षा बलर 57वां स्थापना दिवस उपलक्षे गृहमंत्री अमित शाह देशर सुरक्षा दिगरे बीएसएफ र भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली कहिथिले। देशर 35,000 सैनिक विभिन्न सीमा रे बलिदान देइछंती एवं देशर सीमा को सुरक्षित रखिछंती। बीएसएफ जवान माने देश पई सर्वाधिक बलिदान देइछंती और सेति पई पूरा देश सेमानक पई गर्वित बोली कहिछंती अमित शाह। सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे 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 सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है, इसको हमें बहुत गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का निष्पत्ति रे होई थीबा सर्जिकल स्ट्राइक देश सीमांत रे हेउतिबा जे कोनोसी अनुप्रवेश रा ठिकणा जवाब देवार एक बड़ा उदाहरण। जे कोनोसी देशर प्रगति सेही देशर सुरक्षा उपरे निर्भर करे। एक सुरक्षित देश विकास दिगरे द्रुत गति रे अग्रसर करिथाय बोली एही अवसर रे कहिछंती गृहमंत्री अमित शाह। उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ और उसी वक्त भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत निर्णय करते हुए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर उसका जो जवाब दिया, इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा करती है। प्रथम थर पई जैसलमेर रे बीएसएफ रो ए राइजिंग डे पालन करा जाउची। एही अवसर रे गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल जवान मानंकु पदक प्रदान करिबा सहित सेमानंक द्वारा प्रदर्शित होइतिबा स्पेशल पैरेड को अभिवादन करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।